हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। ये हमारा झंडे वाला मंदिर है। आज हम संडे वाले दिन घूमने आए। वैसे तो हम आते रहते हैं, पर ये अभी ये फिफ्थ टाइम है जो हम घूमने आए हैं यहाँ पे। एक्चुअली हमारी जो विश है पूरी होगी तो आपको जल्द पता चलेगा। ये चलते हैं आपको अंदर झंडे वाला मंदिर। क्या बढ़िया सजा हुआ है। जो अभी भी तैयारियां चल रही हैं नवरात्रों की, स्पेशली नवरात्रों की तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे। लोग अभी भी आ रहे हैं क्योंकि माता के दर्शन रुकने नहीं चाहिए। नवरात्र की सजावट देखने लोग आते हैं यहाँ पे। अपनी भक्ति यो जो भावना है वो व्यक्त करने आते हैं लोग। अपने लिए मांगते हैं जो कि माता पूरा भी करती है उनके लिए। आइए आपको आगे थोड़ा सा जूम करके दर्शन कराता हूँ मैं झंडे वालन मंदिर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आसपास से, जितना हो सके मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगा कि नवरात्र के लिए कितना अच्छा सजाते हैं ये लोग, जो कि बहुत अच्छा भी लगता है नवरात्रि के टाइम पर। और हम आराम से दर्शन भी कर पाए तो इसलिए सेवादार भी यहाँ बहुत भरपूर लगाए जाते हैं। और आसपास यहाँ से जैसे हम आगे यहाँ से आगे से दर्शन नहीं हो पाते तो हम बैक साइड से भी यहाँ से जूम करके या फ़ोन से या वैसे दर्शन करके अपनी आराम से अपने लिए मांग सकते हैं या फिर अपनी भक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। आगे मैं आपको चलकर दिखाता हूँ गुफा वाला मंदिर। कुराना कोरोना के टाइम पर तो बंद हो गया था, लेकिन ये अब यहाँ पे स्क्रीन से दर्शन हो जाते हैं। और आगे जैसे ये सजावट आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए जैसे भरपूर बढ़िया सजावट करी हुई है जो कि आप देख ही पा रहे हैं। फिर आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जैसे और भी भगवान जी हैं उनका यहाँ पे अलग से ये बनाया हुआ है ताकि यहाँ भी लोग दर्शन कर सकें जो जिसे मानता है। वैसे तो सब भगवान एक ही होते हैं। ये हमारे जैसे बजरंगबली हैं और ये हमारी सरस्वती माता है, गणेश जी हैं और लक्ष्मी माता है और अपने कृष्ण जी भगवान है, ठीक है, भोले बाबा हैं, गौ माता है। इन सब के दर्शन जो हैं बहुत प्यार से कर सकते हैं आप यहाँ पे। और ये जो जोत है सुबह जिससे आरती होती है तो वो भी यहाँ पे रखी गई हैं ताकि जो लोग बाद में आए वो यहाँ पे आरती ले सकें और किसी को मतलब वो ना हो कि हमारी आरती रहेगी। तो काफ़ी अच्छी सजावट की गई है, देख ही रहे हैं आप। आइए यहाँ पे दर्शन कीजिए, बहुत आनंद आएगा आपको। और यहाँ पे रात को जागरण भी होता है, देखा ही होगा आपने, सुना भी होगा। जो लोग पहले से आते हैं उन्होंने देखा भी होगा। जो अब आ रहे हैं न्यू जनरेशन वगैरह उनको भी दिखाइए कि यहाँ पे जैसे अभी भी मंदिर में कितना तांता लगा रहता है लोगों का। ये मेरी वाइफ हैं जो कि हम वेट कर रहे हैं, हमारे ब्रदर इन लॉ जो कि इनके भाई हैं वो भी आ चुके हैं यहाँ पे। अब हम शिवलिंग पे डायरेक्ट जाएंगे, वो भी जल चढ़ाएंगे। यहाँ पे जल ऑल टाइम चलता रहता है, छोटे छोटे प्यारे से लुटिया होती है उससे आप यहाँ पर जल चढ़ा सकते हैं और अपना अब शिवलिंग को अभिषेक कर सकते हैं। और अपना छूने को खैर ये मना करते हैं। और ये साइड में सजावट चल रही है, लोग आ रखे हैं सजावट के लिए जो जो मतलब करवाते हैं सेवादार अपना। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, जय भोले बाबा। अब हम जा रहे हैं प्रसाद की लाइन में। ये देखो मेरा छोटा सा भतीजा जो कि इनका है, तो ये हमें मिल गया है प्रसाद। तो हम आगे चल के अब अपनी स्कूटी निकालेंगे। स्कूटी पहले बाहर से ही पार्क हो जाती थी, अंदर आ जाते थे, बट कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप अंदर से आएँ, गेट नंबर 2 ये है। आप अंदर से यहाँ पे जाके अपनी स्कूटी बाइक वट एवर यू हैव तो आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी स्कूटी अब लेके यहाँ से निकल रहा हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को। जय माता दी और बने रहिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए।